हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के नए व्लॉग में। दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप आप सभी सही होंगे। फिलहाल अभी सुबह 1 बजे हैं, 10:45, और आज हमारा टूर है जींद का, क्योंकि पहले मेरा काम है आज यूनिवर्सिटी में डिग्री लाना, फिर उसके बाद जींद से घर के मतलब घर नए घर के लिए सामान लाना, वहाँ से मतलब टूटी लानी है और भी और सामान है जो घर के लिए लाने हैं। बस अब चलते हैं, क्योंकि आज दोपहर की ट्रेन से जींद जाएंगे, फिर अगर काम बन गया तो शाम को घर आ जाएंगे, नहीं वहीं पर जींद मामा के यहाँ रुकेंगे, तो फिर आज जींद चलते हैं। फिलहाल अभी दोस्तों मैं सफ़ेद दो आ चुका हूँ। सफ़ेद दो हमें मतलब सेल्स सेंटर पे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी करवानी थी, तो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी करवाने के बाद अब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। अगर ट्रेन छूट गई ना तो यार काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर बस में जाना पड़ेगा। अब ट्रेन अभी तक आई नहीं है स्टेशन पे, उससे पहले टिकट लेनी है। फिलहाल अभी दोस्तों मैं सफ़ेद के रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, बस यहाँ पर ट्रेन का वेट करता, ट्रेन कितनी देर में आएगी, फिर उसके बाद चलते हैं जींद। फिलहाल दोस्तों अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, बस थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है। फिलहाल भाई मैं यूनिवर्सिटी तो आ चुका हूँ, अब ऊपर जा रहे देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि उनका फ़ोन तो आया था अभी आपकी डिग्री बड़ी मिले ले आओ, तो अब चलते हैं। फिलहाल दोस्तों हम यूनिवर्सिटी से अपना काम करवा के आ चुके हैं, अब सभी दो शहर आने के बाद हमने घर के लिए मतलब टूटी और सावर का जो सामान लेना था वो ले लिया है। अब मामा के घर जा रहे, क्योंकि शाम होने पड़ी है और घर तो जा नहीं सकते। आज हमारे साथ हैं हमारे बंटी मामा हैं, जिन्होंने हमें ये सामान दिलवाया है, मतलब जो रेट है ना उससे अच्छे रेट में दिलवाया है, तो शाम भी होने वाली है, अब जल्दी से हमें घर चलते हैं। दोस्तों फिलहाल अब सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब मैं जीन से जो ट्रेन की तो जाती है ना उस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। कल मैं रात को वीडियो शूट तो नहीं कर पाया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और मैं चार्जर नहीं लाया था, लेकिन अब घर जाके फ़ोन को चार्ज करेंगे। अब हमारा जो काम था मतलब यूनिवर्सिटी वाला और जो घर के लिए सामान लेना था वो तो हो चुका है, अब बस घर चलते हैं। और आज कल से मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गया है, आप इसी वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर सीट भी गिली हुई पड़ी है और अब भी थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग रही है। सभी दो रेलवे स्टेशन भी आ गया, और सब अपना सामान लेकर उतरते हैं, फिर घर के लिए और सामान लेते हैं सब्जी, फिर उसके बाद मौसम भी खराब है, बारिश आने से पहले घर भी उतना है, तो बस 2 मिनट में ट्रेन होने वाली है, उसके बाद घर चलते हैं। फिलहाल गाइस अब मैं सभी रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पर पानी भी जगह जगह भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी तो नहीं है। अब बस थोड़ी सब्जी लेने के बाद फिलहाल दोस्तों में स्कूटर तो मिल चुका था, गाँव का तो मिला लेकिन कारखाना गांव तक मिल गया। अब कारखाने से देखते हैं, अगर कारखाने कुछ बाइक मिल गई तो ठीक है, नहीं पैदल गांव जाना पड़ेगा। अब बस देखते हैं कि कितनी देर में स्कूटर चलेगा। फिलहाल दोस्तों मैं स्पीड से कारखाना अड्डे पर तो आ चुका हूँ, यहाँ पर अब देखते हैं कुछ हाथ नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी की बाइक मिलेगी तो बाइक पर जाना पड़ेगा, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। अभी अपन थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कुछ बाइक आएगी या नहीं। फिलहाल दोस्तों अब शाम के 1 बजे हैं, 5:30, और आज मैं जब घर आया था ना तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, फिर आज मैं अभी शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरा काम है सुबह मच्छियों को आटा निकाल के आए थे, तो तालाब के मच्छियों का आटा डालना है, फिर उसके बाद नए घर में चलते हैं, क्योंकि नए घर में शाम को जोत लगाते हैं ना, उसके बाद फिर और काम खुल गया, तो अब चलते हैं अपने काम पर। गाइस अब रात के बज चुके हैं 10:15 और हमारी वीडियो की ड्यूइंग कंप्लीट हो चुकी है। आज पूरे दिन कुछ काम तो नहीं था, क्योंकि आज सुबह से बारिश होने लग रही है, अभी बारिश हो रही है, हमारा रात का खाना पीना भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।